अफ्तारी के बाद फिर हाजिर हैं हम रमज़ान ट्रांसमिशन में। और आज का जो 15 रोज़ा है, ये हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी निस्बत से है। आपका यौम पैदाइश है 15वें रोज़े की, और आपकी निस्बत उस घराने से है कि जो इमामुल अंबिया जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बेटी हज़रत सैयदा फ़ातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके बेटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपका इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा किरदार रहा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हज़रत हसन हज़रत हुसैन आप दोनों को देखते तो हज़रत हसन की पेशानी चूमते, और जब हज़रत हुसैन को देखते तो आपके गले को बोसा देते, उसको चूमते। सहाबा इकराम अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ये अमल, हम इसके बारे में वजाहत चाहते हैं कि आप फरमा दीजिए कि जब हज़रत हसन को देखते हो तो उसकी पहचानी चूमते हो, माथे पे बोसा देते हो, तो हज़रत हुसैन को जब देखते हैं उनसे मिलते हो तो उनकी गर्दन चूमते हो, तो मेरे इमामुल अंबिया सरताजुल अंबिया कायनात के वाली व मुख्तार जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया, ऐ प्यारे सहाबा, मैं हुसैन की हज़रत हसन की पेशानी सिर्फ़ इसलिए चूमता हूँ कि ये मेरा वो हुसैन है। जब एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत के अंदर बहुत बड़ा इंतशार होगा, दो ग्रोह आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो गलत फहमियों का शिकार हो जाएंगे, लेकिन ये उन दोनों की सुलह करवा के बहुत बड़ी कत्लो गारत को बचाएंगे। ये वो हसन है, और हुसैन वो हुसैन कि ये वो हुसैन है। एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि जब मेरे दीन को, मेरे इस्लाम को, इस्लाम के उस तने को जब पानी की कभी ज़रूरत होती है तो लोग पानी पेश करते हैं, लेकिन जब उस वक़्त इस अंदाज़ में होगा, तना मुरझा रहा होगा, इस्लाम का झंडा सरनगू करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मेरा हुसैन अपनी गर्दन पेश करके वहाँ भी नेजे पे चढ़ के कुरान सुनाएगी। ये वो गर्दन है, मैं इस गर्दन को सिर्फ इसलिए चूमता हूँ कि ये इसी गर्दन से निकला हुआ खून क़यामत तक मेरे इस्लाम का झंडा ऊपर रखेगी। ये वो निस्बत है, उस घर से वो निस्बत लेके आए। और ये दोनों शहजादे एक दिन अपनी माँ के सामने बैठे हुए जब तख्तियाँ लिख रहे थे, वो तख्तियाँ लिखते लिखते दोनों ने एक दूसरे से मुकाबला किया। जब मुकाबला किया, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपने भी लिखी, हज़रत हुसैन ने भी लिखी, तो वो ही फैसला अपने बाबा के पास ले गए। जब बाबा के पास लेके गए तो कहने लगे, बाबा जी आप ये बताइए कि ये तख्ती किसने अच्छी लिखी है, किसकी ज़्यादा खूबसूरत तख्ती है, ये तो ज़रा बताइए। जब ये फैसले के लिए हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप जब गए, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आपने फरमाया, ये फैसला मैं नहीं कर सकता, ये फैसला मैं नहीं कर सकता, जाओ आप अपनी वालदा के पास ले जाओ। ये फैसला जब हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी बारगाह में आया, तो वही फैसला करवाने के लिए दोनों तख्तियां सामने रखी, तो फैसले के लिए पूछा, अम्मा जान ये तो बताओ कि मेरे बड़े भाई ने तख्ती अच्छी लिखी है या मैंने अच्छी लिखी है,
ये फैसला दोनों का जब फातिमतुज़्ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हो अन्हा आपकी बारगाह में आया तो आप कहने लगी कि ये फैसला मैं नहीं कर सकती, ये फैसला मुझसे नहीं होगा, ये फैसला अपने नाना जान की बारगाह में ले जाओ। जब वही फैसला दोनों भाई मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो फैसला लेके आए, दोनों तख्तियां सामने पेश की, मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह थी तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये अपने बाबा से फैसला करवाना था, मुझसे क्यों लेके आए। कहने लगे बाबा ने भी कह दिया ये फैसला मैं नहीं कर सकता, मामा ने भी कह दिया ये फैसला मैं नहीं कर सकती, तो जब ये फैसला अभी तुम्हारी आपकी अपने नाना जान की बारगाह में हम लेके आए हैं, इमामुल अंबिया की बारगाह में लेके आए हैं, आज फैसला ये आप कर दीजिए, ये अच्छी कौन सी है, ये खूबसूरत कौन सी है, इसमें पास कौन हो गया, इसने फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, ये फैसला कर दीजिए। इमाम अलंबिया ने आसमान की तरफ आंखें उठाई, चेहरा जब आसमान की तरफ उठाया वो कौन सा चेहरा, जिस चेहरे की खुदा ताला की औजात खुद कस्में उठाती है, वो चेहरा जब आसमान की तरफ उठा तो रब्बुल आलमीन की बारगाह आलिया में अर्ज किया मौला कि ये अब फैसला आ गया, इस अंदाज का फैसला आ गया, ना मैं हुसैन को नाराज कर सकता हूं, ना हसन को नाराज कर सकता हूं, अगर ऐसा हो गया कि मैंने फैसला हसन के बारे में दे दिया कि ये अच्छी है, हुसैन नाराज हो जाएगा, हसन हुसैन के बारे में दे दिया तो हसन नाराज हो जाएंगे, या अल्लाह ये फैसला कहां से दूं। हाथ में गैबी से बात आती है, ऐ प्यारे महबूब परेशान नहीं होना, ये फैसला रब्बुल आलमीन की जात करेगी, ये वो फैसला है जो फैसला रब की जात करेगी। तो फर्ज की मौला वो किस अंदाज से, रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म आ गया आप तीन मोती ले लो, तीन जौहरात तीन मोती लेके वो इस तख्ती के ऊपर हवा में लहराओ, जिसके ऊपर दो गिर जाएंगे वो उसकी तो उसकी तख्ती ज्यादा खूबसूरत होगी, जिसके ऊपर एक आ जाएंगे, जिसके ऊपर ज्यादा होंगे वो ज्यादा अच्छा होगा, जिसके ऊपर कम होंगे वो दूसरे नंबर पे होगी। जब ऐसे हवा में लहराए तो एक मोती हजरत हसन की तख्ती पे गया, एक हुसैन की तख्ती पे गया, जो एक था वो हवा में खड़ा हो गया, हवा में खड़ा होके झुक गया, वो ना इधर जाता है ना इधर जाता है, हुसैन भी देख रहे हैं मेरी तरफ आएगा, हसन देख रहे हैं मेरी तरफ आएगा, रब्बुल आलमीन के हबीब आसमान की तरफ देख रहे हैं। फिर उस दुनिया के अंदर उस वक्त देखा, आसमाने फलक ने देखा, रब्बुल आलमीन के फरिश्तों ने देखा, जब वो मोती हवा में लहराता लहराता ठहर गया, वो वहां से टूटा, आधा हुसैन की तख्ती पे गया, आधा हसन की तख्ती पे गया। रब्बुल आलमीन ने फरमाया ना ये कम है ना ये कम है, ये दोनों ही नूर अला नूर है। ये क्या है जो रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया था कि ये दो नहरें हैं, अपना एक सूरह रहमान के अंदर रब्बुल आलमीन ने फरमाया मरजल बहरैनी यल तकियान, के दो ऐसी नहरें हैं जो ऐसे चलते चलते जहां से आखिर में जाके मिलेंगी और उसमें से हीरे और जौहरात पैदा होंगे। ये दोनों वही हीरे हैं जो कुरान पाक की उसी तारीफ उसी सूरत की तारीफ करते हुए तर्जमा उसकी तफसीर करते हुए वहां से मुफस्सिरीन किराम ने लिखा ये वही हीरे हैं, एक हुसैन है दूसरा हसन है, जिसका दिल ना फातिमतुज़्ज़हरा ने तोड़ा, ना हु हजरत अली ने तोड़ा, ना इमामुल अंबिया ने तोड़ा, यहां तक कि जब रब्बुल आलमीन की बारगाह में फैसला गया वहां भी नहीं तोड़ा, वहां भी बोला ये हसन भी आला है हुसैन भी आला है। आज हम उन्हीं की निस्बत से हम अपने सना खान से ये एक इल्तमास करते हैं कि वो उन्हीं की निस्बत से हमें कुछ नाते रसूल मकबूल के अशार पेश करें। जनाब मोहम्मद सरवर इकबाल कादरी साहेब, वो उनके सामने अब हम माइक देते हैं कि अपने मखसूस अंदाज में नाते रसूल मकबूल वो पेश करते हैं। और आइए मोहम्मद सरवर इकबाल कादरी साहेब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह।
मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, 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 खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए, गुलामे जारा हूं मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलामे जारा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलामे जारा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलामे जारा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, हमेशा पंज तनी निस्बत ही मेरे काम आए, हमेशा पंज तनी निस्बत ही मेरे काम आए, हमेशा पंज तनी निस्बत ही मेरे काम आए, बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, खैरुल निसा हुसैनो हसन मुस्तफा अली, गुलाम जारा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम जारा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम जारा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, हमेशा पंज तनी निस्बत ही मेरे काम आए, कि मैं सखी हुसैन दी शान दसा फखर जिन्ना ते करन खलील वर्गे, तरले लैन गुलामिया करन बदले मैं काइल वर्गे इसराफील वर्गे, ते बच्चा हरनी दा जे कर हुसैन मंगल हरनी केर दे फिरन जिबरील वर्गे, हो गई अदब दी हद सरदार साया बुआ लंग दे नहीं इजराइल वर्गे, गुलामे जारा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, हमेशा पंज तनी निस्बत ही मेरे काम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, दुरूद सैयद कौनैन के वसीले से, दुरूद सैयद कौनैन
के वसीले से दुरूद सैयद कौनैन के वसीले से मेरी जुबान पे आका तेरा ही नाम आए, मेरी जुबान पे आका तेरा ही नाम, तेरा नाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब मोहम्मद सरवर इकबाल कादरी साहेब, बड़े ही प्यारे अंदाज में नात रसूल मकबूल पेश कर रहे थे। और अब हमारे जो मेहमान हैं चौधरी शाहिद अली नायब तहसीलदार कामों की ज़िला गुजरांवाला, अब हम उनसे कुछ सवालात पूछते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में वो महकमाना तौर पे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो महकमे पाकिस्तान के अंदर अपना अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। ये आज के हमारे स्टूडियो की जीनत हैं और उनके साथ राणा अब्दुल मजीद साहेब, वो भी महकमा फूड में, वो भी हमारे पास मौजूद हैं, हमारे स्टूडियो की जीनत हैं। उनसे भी चंद सवालात पूछेंगे कि रमज़ानुल मुबारक में किन किन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने पैकेज दे के सस्ते बाज़ार मुख्तलिफ अशिया जिसके ऊपर सब्सिडी वगैरह दी हुई है, और किन किन लोगों को जाना चाहिए, किस अंदाज में जाना चाहिए, क्या क्या इनको जाके वहाँ एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए, और आवाम को महकमों के साथ किस अंदाज में तावन करना चाहिए, और ये क्या लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। आइए हम राणा शाहिद साहब से ये पूछते हैं कि जनाब आज के इस रमज़ानुल मुबारक के एपिसोड में कि देखें कि आवाम को आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और आवाम को क्या आप मैसेज जनाब देना चाह रहे हैं, ये उनसे पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी तहसील कामोकी में ज़ेरे निगरानी जनाब उस्मान सिकंदर साहब, उस्मान सिकंदर हंजरा साहब असिस्टेंट कमिश्नर कामों की, दो सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं, एक कामों की में और दूसरा वांडो में, और बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। वैसे भी हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब बहुत ज़्यादा असिस्टेंट अपना एडमिनिस्ट्रेटर हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम किया है, और इसमें तमाम मियारी अशिया मैसर हैं। वैसे तो ये जो मर्ज़ी आदमी यहाँ से ख़रीद सकता है, और हर आदमी के लिए ये बाज़ार लगाए हैं, पैकेज है हर खास आम के लिए, अमीर गरीब के लिए। वैसे मेरी अपील है कि आम आदमी जो है वो जाए, जो अमीर आदमी है वो तो इधर ना भी आए तो कोई बात नहीं, उसको तो इसकी परवाह नहीं है। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर आम आदमी जाए तो उसको ये रिलीफ बहुत अच्छा है, और गवर्नमेंट ने इसका बहुत ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम किया है। और ये भी तासर है कि ये वहाँ अशिया अच्छी नहीं है, लेकिन ये गलत असर है, बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, जो जैसे बाहर बाज़ार में हैं वैसी ही उधर में उसमें है, कोई फ़र्क नहीं है। ये सिर्फ ज़बानी बातें करते हैं कि जी वो नाकस चीज़ें हैं, जी ये फलां है, ये नहीं है, जो मैंने देखा है बाज़ार में है वही उधर हैं। और हमारे पिछले दिनों में कमिश्नर साहब ने भी विज़िट किया है और बहुत अच्छा हमारा बाज़ार रहा है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त लूँगा, अल्लाह हाफ़िज़। माशाल्लाह जी, ये हमें राणा शाहिद साहब नायब तहसीलदार कामों की ये हमें बता रहे थे कि हमारे जो सस्ते बाज़ार गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं, जो अमीर लोग अगर वहाँ ना भी जाए तो उसका तो चल जाता है, ये ज़्यादातर आम लोग जो दरमियाने तबके के लोग हैं हमारे जैसे, वो वहाँ जाएं तो अच्छा है। इसलिए
गरीब लोग जाएंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिलेगी, वो उनको रिलीफ पैकेज मिलेगा, वो जाके अपना निज़ाम सिस्टम बेहतर कर सकते हैं। अगर जो अच्छे वेल सेटल हैं वो नहीं भी जाते तो उनका तो बाज़ार से भी उनको मिल जाएगा। लेकिन रही बात चीज़ों की, अगर रेट डाउन होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ मियार डाउन है। ये अभी इन्होंने वजाहत कर दी है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस जैसी चीज़ें बाज़ार के अंदर मौजूद हैं वैसी ही वहाँ हैं, और ज़्यादातर लोग वहाँ जाएँ जाके, और गवर्नमेंट ने अगर कुछ फ़ायदा दिया है उनसे को फ़ायदा हासिल करें। तो अभी मैं मैडम इरम नशेर साहब को साहिबा को कहता हूँ कि वो अपना राणा मजीद साहब से वो गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम अपने प्रोग्राम में आने वाले मोजिज़ मेहमान राना अब्दुल मजीद साहब, जिनका ताल्लुक महकमा खुराक डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ऑफिस सियालकोट से है, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। और दूसरी रिक्वेस्ट मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि आप काइंडली अपना इंट्रोडक्शन हमें करवाएं और आप हमें अपने महकमे के बारे में थोड़ा सा गाइड करें कि आपका महकमा क्या ड्यूटीज़ जो है वो सर अंजाम दे रहा है, आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं जो आप जो हैं उधर अपने जो है ना सर अंजाम दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं महकमा फूड का छोटा सा मुलाजम हूँ। आपने इधर इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में 8 बाज़ार हैं माशाल्लाह, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तामन से और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर चौधरी शाहनवाज चौहान साहब जो उनकी लुक आफ्टर कर रहे हैं, तमाम बाज़ारों में मुख्तलिफ फ्लोर मिलों का आटा जो है वो सप्लाई किया जाता है और मियारी आटा है और वाफर मकदार में दिया जाता है। इस और अल्लाह के फजल करम से किसी को कोई पाबंदी नहीं है, हर खास वाम के लिए जो गवर्नमेंट ने हुकूमत वक्त ने जो दिया टारगेट उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला काम हो रहा है और मियारी आटा सप्लाई किया जा रहा है। हमारे महकमे पर आज कल जो है ना वो काफ़ी काम, बड़ी मेहनत से काम किया जा रहा है। एक ही वक्त में रमज़ान बाज़ार है उन्होंने सप्लाई दी जा रही है, रेगुलर कोटा भी सप्लाई अभी किया जा रहा है, ओपन मार्केट में भी आटा जो है ना वो वाफर मकदार में दस्तियाब है। इसके अलावा महकमा के आपने एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा है कि आपकी क्या जिम्मेदारियाँ, हमारा महकमा में प्रोक्योरमेंट अब जारी हो गई है गंदम की ख़रीदारी, जिसकी ख़रीदारी के लिए बारदाने का अजरा हर किसान को पॉलिसी के मुताबिक दिया जा रहा है। अल्लाह के फजल व करम से हमारे टारगेट इंशाल्लाह ताला वो इंतज़ामिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तावन से और दूसरे डिपार्टमेंट्स भी हमारे साथ तामन कर रहे हैं और किसानों के लिए भरपूर इंतजाम किए गए हैं। मार्केट कमेटी की तरफ से उधर जो है वो साहिबान लगाए गए हैं, कुर्सियाँ चेयर्स वगैरह लगाई गई हैं, पानी का बंदोबस्त है, लेकिन अभी तो रमज़ान चल रहा है, अल्लाह का फजल है प्रोक्योरमेंट अब थोड़े दिनों में पीक पर चली जाएगी और इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला महकमा खुराक इधर अपना टारगेट पूरा कर लेगा। तो बड़ी दिन रात मेहनत कर रहे हैं हमारे डीएफसी साहब, सुबह शाम रात चौकियों पर, सेंटरों पर, मिलों पर और उसके अलावा रमज़ान बाज़ार में हर वक्त वो अपना काम करते हैं, ठीक है। और बाकी तमाम फील्ड स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ, अल्लाह के फजल से ये एक टीम की तरह काम चल रहा है और पाकिस्तान की जो अपने हमारा जो पब्लिक है अल्लाह के फजल से किसी किस्म का कोई शिकायत नहीं है, इस वक्त भरपूर काम जारी है। और आप ये जो बढ़ती हुई महंगाई, ये गरीब लोगों की पहुंच से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दूर जा रही हैं, उनके हाथ तक पहुंच नहीं रही, वहां तक रसाई नहीं है, जैसे गंदम का पहले भी कुछ रेट और था, चाहे आटे का रेट बहुत बढ़ गया और पेट्रोल का बढ़ गया, ये नहीं, ये देखें मेरी इसके बारे में मैं गुजारिश करूँ कि जो गंदम का रेट है वो पहले गवर्नमेंट ने 1450 रुपये में पिछले से साल, उसके अगले साल 1800 रुपये, 1850 रुपये, अब 2200 रुपये मान कर दिया। इसका मतलब है कि किसान को अब्लाइज किया जाता है,
ये महंगाई जो है ना, ये महंगाई की पैदावार को बढ़ाना है हमने। जी ग्राउंड रियलिटीज है ना, ग्राउंड रियलिटीज और भी होती है ना, कि मिसाल के तौर पर खाद, बीज और बिजली जो महंगी हो गई है, ये कुछ बातें होती हैं जो थोड़ा सा आता है इसमें मामला। बाकी गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बनानी है, महकमे ने उस पर अमल करना। तो महंगाई को कैसे कम करने के क्या इकदाम जो है ना आप लोग उठा रहे हैं कि महंगाई को थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि आपको पता है जो मुल्की हालात चल रहे हैं अभी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, हर चीज आम आवाम की, मतलब कुछ गरीब तबका है, कोई गरीब से गरीब तबका भी है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता अपनी रोजमर्रा की जरूरियात, जिंदगी की अशिया जो है, उन लोगों के लिए हुकूमत जो है या आप लोग जो है क्या पॉलिसी बना रहे हैं कि जो रेट है, इस बारे में अर्ज करूं कि जो महंगाई के बारे में ना, महकमे ने गवर्नमेंट के अहकामात की रोशनी में काम करना है। हर डिपार्टमेंट की एक अपनी पॉलिसी होती है, हमें जिस तरह ऊपर से इंस्ट्रक्शनें आनी है उस तरह नीचे काम होना है। ठीक है, महंगाई का जो है ना ये मसला, ये ओवरऑल पाकिस्तान का मसला है और इंटरनेशनल मामला, ये इंटरनेशनल लेवल पर गंदम के रेट बढ़ते हैं। बाकी आप लोगों को अवाम का तावन क्या अवाम अपील करना चाह रहे हैं कि आप अवाम जो है ना आपके किस तरीके से आपके साथ आप मैं तो अवाम से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि किसानों का ज्यादातर हमारे महकमे के साथ रिलेटेड किसान है और उसके जो हमें गंदम फ्राहम करते हैं, गवर्नमेंट ने बड़े मुनासिब रेट अब दिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आपने गवर्नमेंट के जो वाफर मकदार में गंदम अल्लाह ने दी है तो महकमे को गंदम दें, इसके बाद जो बाकी अपना जिम्मेदार ने अपने बीज वगैरह के लिए रखनी होती है वो रख लें। इसलिए कि जखीरा अंदोजी मना है, सलाम में भी मना है, तो अगर गवर्नमेंट के पास रिजर्व होंगे तो वो हर खास व आम के लिए बेहतर होगा। गंदम वाफर होगी, आटा वाफर होगा, किसी को किसी किस्म की कमी नहीं आएगी, रेट बरकरार रहेंगे, रेट बरकरार रहेंगे। अगर जखीरा अंदोजी हुई तो ये वही बात होगी, पर अभी बाद में मिलेगा नहीं, हाँ ये महंगे दामों बेचेंगे। नहीं, मैं यही करते हैं ना, मैं असल में स्टाकिया ऐसा करता है। महकमा क्या कर सकता है इसको कंट्रोल करने के? अब डिपार्टमेंट हमारा जो है ना, इसके साथ साथ इंतजामिया का काफी शेयर है, इंतजामिया हमारे साथ बड़ी हौसला अफजाई कर रही है, वो हमारे इंस्पेक्टरों के साथ, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के साथ, पूरे तामन के साथ प्रोक्योरमेंट में शेयर कर रही है। इंशाल्लाह ताला हमारे टारगेट पूरे होंगे, ये बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के टारगेट पूरे हो जाएंगे। मौसम अल्लाह ताला ने दिया, फसल बहुत अच्छी है, अल्लाह के फजल से ये हमारे रिजर्व मुकम्मल हो जाएंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। हमारे राणा अब्दुल मजीद साहब यही कह रहे थे कि अवाम को जो जखीरा अंदोज हैं उनसे बचना चाहिए, महकमे के साथ तावन करना चाहिए। अगर आप महकमे के साथ तावन करेंगे तो आप समझो अपने मुल्क के साथ तावन कर रहे हैं। तो ऐसे जखीरा अंदोजी जो है वो सख्त मना है इस्लाम के अंदर भी और हर मुल्क के अंदर भी। वही है जखीरा अंदोजी जो मुल्क को नुकसान देती है, जो मुल्क की आवाम को नुकसान देती है। एक वक्त एक ताजर ने बहुत अपने कोई सौ से ज़्यादा ऊँट ले आए वो अपने घर के अंदर, जब वो ले कर आए तो उसने क्या करना शुरू कर दिया कि जितना मदीना शरीफ का चारा था वो ख़रीदना शुरू कर दिया। वो ख़बर पहुंचते पहुंचते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया के अंदर पहुंची। जब वो ख़बर वहां पहुंची तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस ताजर को बुलाया, बुला के कहा कि भाई आपने ये जो चीज़ें ख़रीदी हैं, आपने इतना चारा ख़रीद लिया है, ये चारा आपने ख़रीदना नहीं, अगर ये आपने इतने जानवर यहाँ रखने हैं तो चारा मदीने से नहीं ख़रीद सकते आप, आप चारा मदीने से बाहर वाली किसी सिटी से ख़रीद के लेके आओ। अगर ऐसा नहीं करना तो यहाँ से ऊँट उठा के तो आप उधर लेके जाओ जहाँ आपको वाफर मिल जाए,
यहाँ आप तू ही सारा चारा खरीद लेगा, तो जिसने दो ऊंट रखे हैं, एक ऊंट रखी है, बकरी वाला है, वो किधर जाएगा, वो कहाँ से खरीदेगा? आप तो ज्यादा महंगे दामों खरीद सकते हो, तो जो एक बकरी वाला है वो फिर किधर से खरीदेगा, वो कहाँ जाएगा? उसके लिए महंगाई बढ़ जाएगी, उसकी पहुंच से दूर निकल जाएगी, कि वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए ये चंद एक चीज़ें ऐसी हैं, छोटे छोटी बकरियाँ या छोटा छोटे जानवर रख के उसने गुजारा, घर का निज़ाम चलाना है, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? इसलिए ज़खीरांदोज़ी, उनसे बचना है, उनसे हुकूमत के साथ तावन करो। रमज़ान शरीफ के अंदर ये भी एक नेकी है, अपने मुल्क के ऊपर एहसान है, उनके साथ तावन करो जितना हो सके, महकमों के साथ तावन करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे महकमे काम कर रहे हैं, काम करने वाले महकमे हैं। राणा साहब, राणा शाह साहब भी बता रहे थे कि बेहतरीन निज़ाम है, हर चीज़ इस मुल्क के अंदर है, लेकिन एक डिसिप्लिन नहीं है। वो किधर नहीं है? हमारी आवाम के अंदर। हम खींचातानी में लगे हुए हैं, वो छोड़ो, तारों अपने अदारों के साथ तावन करो। इंशाअल्लाह इस मुल्क में किसी किस्म की कमी नहीं है। और अब मैं जनाब खसूसी इनाद के लिए जिनको दावत दे रहा हूँ, वो हमारे प्यारे सना खां और स्पेशल नाथ खां, जो हमारी इस ट्रांसमिशन के नामवर नाथ खां हैं, अब उनको मैं दावत देता हूँ। उनसे आज जो सुनना है हमने, वो किनका कलाम है जनाब? हरूनी साहब, ये ज़रा उनसे ही पूछते हैं। और एक आज स्पेशल जनाब, उन्होंने एक कलाम तैयार किया हुआ है, उसका स्केच बनाया हुआ है, आज जनाब ये ट्रांसमिशन की रौनक बनते हैं। आइए जनाब हरूनी साहब से बात करते हैं। जी, मैं रॉयल टीम की तमाम जो है वो तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ कि पहले रोज़े से लेकर माशाल्लाह अभी आज माशाल्लाह 15वां रोज़ा हो चुका है, तो इंशाल्लाह ये सिलसिला मोहब्बतों का, ये सिलसिला हजूर की सना का, ये पूरे रमज़ान मुबारक में इंशाल्लाह चलता रहेगा। और हम पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ साथ है। तो आज क्योंकि जनाब हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम आपका, आपकी विलादत बासादत का ख़ास दिन है, तो उसी निस्बत से इंशाल्लाह कलाम पढ़ूंगा। तो इंशाल्लाह वही मेरा मौजू है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी कायनात में पैंतन पाक का सदका बट रहा है, और हम सब पैंतन पाक का सदका खाते हैं और फख्र से खाते हैं। और इंशाल्लाह जो कहते हैं ना कि सीना चौड़ा करके, तो इंशाल्लाह ये उनकी मेहरबानी है पंचतन पाक की, को वो अपने गुलामों में शुमार करते हैं। तो आइए, बड़ा मरूफ कलाम खसूसी तौर पे आज के लिए तैयार किया। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ जी, मैं तो पंजतन का गुलाम। सब पढ़िए, मैं तो पंजतन और मैं मुरीद खैर अनाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम और मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है हुबे बतूल का मेरे मुंह से आए,
महक सदा जो मैं नाम लूं तेरा झूम के, मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंज तन का गुलाम, और मुझे इश्क से वो समल से है, मुझे इश्क के चम से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क उनकी गली से है, अरे हाँ मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क शाह ज़मन से है, मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ जी, मैं तो पंज तन और हुई तन से कैसे वो गर्दन जुदा, वो गर्दन जुदा, जहाँ इश्क है वही कैबला, जहाँ इश्क है वही कैबला, ये आले पाक की बात है मौला हुसैन की जात है, मेरी बात उन्हीं की बात है, मेरे सामने वो इज़ात है, मेरे सामने वो इज़ात है, वही जिनको शेरे खुदा कहे, जिन्हें बाबे सल्ले आला कहे, जिन्हें बाबे सल्ले आला कहे, जिन्हें बाबे सल्ले आला कहे, वही जिनको आले नबी कहे, वही जिनको खूने नबी कहे, वही जिनको शेरे खुदा कहे, जिन्हें बाबे सल्ले आला कहे, अरे हाँ वही पुख्ता है मैं तो खाम हूँ, मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ जी, मैं तो पंज तन का गुलाम, मैं मुरीद खैर अनाम हूँ, मैं मुरीद खैर अनाम हूँ, अरे मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंज तन का
गुलाम हूँ मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ दो जगते हसन अली दे बच्चियां दा दो जगते एहसान अली दे बच्चियां दा दो जगते एहसान अली दे बच्चियां दा दो जगते एहसान अली दे बच्चियां दा कलमा दिल कुरान कलमा दिल कुरान दो जगते एहसान अली दे बच्चियां दा दो जगते एहसान अली दे बच्चियां दा दो जगते एहसान अली दे बच्चियां दा और मंगला राय किले पुत्र मंगने दरबारे रिसालत है और एक राब आता है कहता है हजूर मेरी औलाद नहीं है तो आप लोहे महफूज पे वाली कायनात हैं वारसे कायनात हैं निगाह दौड़ाते हैं फरमाते हैं आ जा तेरी औलाद नहीं है अब उसका काम है कि रिसालत माप से तरला ले कि हजूर कुछ कर दे हो आप दुआ फरमा दे हो राब मायूस हो राब मायूस होता है तो मौला हुसैन दरबार रिसालत में तशरीफ लाते हैं कहते हैं राब मायूस क्यों है मेरे नाने की बारगाह से आज तक मायूस कोई नहीं गया कहते हैं सरकार से औलाद के बारे में कहा था सरकार ने फरमाया कि तेरे मुकद्दरा च औलाद नहीं आपने फरमाया तो फिर क्या बात है आज मान कितने पुत्र मांगता है आप इनकी गिनवाते हैं एक दो तीन चार पांच छह सात अब राब को यकीन हो गया ये पाकों की बारगाह है ये सच्चों की बारगाह है अथवा जो मंगना है मिल जाना है तो शायर यहां पे लिखता है कि मंगले राय किले पुत्र मंगने नी मंगने नी मंगले राय किले पुत्र मंगने नी मंगले राय किले पुत्र मंगने नी क्यों लगे आए दरबार लगे आए दरबार दल दे सच्चे आदा दो जगते एहसान अली दे बच्चियां दा दो जगते एहसान अली दे बच्चियां दा दो जगते एहसान अली दे बच्चियां दा कलमा दिल कुरान कलमा दिल कुरान अली दे बच्चियां दा दो जगते एहसान अली दे बच्चियां दा दो जगते एहसान अली दे बच्चियां दा माशाल्लाह मैं किबला कारी साजे साहब का मशकूर हूँ कि आपने इंशाल्लाह तमाम इस सेगमेंट में तमाम जो आरफीन हैं उनके कलामों को आपने अल्हम्दुलिल्लाह वो शामिल किया प्रोग्राम में मैं कारी साजे साहब का इंतहाई मशकूर हूँ और रॉयल टीम की पूरी रॉयल न्यूज़ की पूरी टीम का मशकूर हूँ कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो इस चीज़ को जो है ना वो मैनेज किया अल्लाह ताला हम सब की इस काबश को इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए वारिशा लिखते हैं के अवल हम्द खुदा वेद करिए
इश्क की तासू जग ते मोल मिया पहले आप ही रब ने इश्क किया हो मौशूक है नबी रसूल मिया। और आप लिखते हैं केरे रात दा जग ना बहुत औखा एक जाग दस बीमार जा एक जाग दा चोर भी सनी उते खाए एक जाग दा पैरे दारी राती ते एक जाग दा इश्क दी अमरे एक जाग दा यार दा ए यार यार राती वारस शान सारिया सच गला हो एक जाग दा पे वे दिगार राती और मैं अचानक अशार क्योंकि हसबे वादा और हसबे प्रोग्राम इंशाल्लाह आरफी खड़ी रूमिया कश्मीर मियां मोहम्मद बख्श आप लिखते हैं मेरा वजदान है कारी साहब किबला के आपने जो है ना वो और मियां साहब ने ऐसे कि जैसे कुरान को सामने सामने खोल के रखे ना तो उसका तर्जमा ही कर दिया है उसका तर्जमा कर दिया है मेरा वजदान है। तो आइए चंद अशार आरफे खड़ी रूमिया कश्मीर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आपके कलाम से समात फरमाइए। देवन का मौला देवन कार देवन कार तू दाता बने तेरी जा
ذات عدل تعالی. اللہ فکری لکھتے ہیں کہ دنیا دی اے دنیا دی اے سنگت اے وے تے جڑ بازار مخانے اتے کھڑ چڑھائی ویکھو تے اندر چڑے پرانے. حضور آپ فکری لکھتے ہیں کہ اسرا سرجے او کریے نیکی نسلوں تائی نہیں پلا دے اور بدسلاتے کریے نیکی تے کوڈی مل نہیں پاندے بدسلاتے کریے نیکی تے کوڈی مل نہیں پاندے. اور میں شیر مولا حسین دی بارگاہ چ آکھن لگا کہ سیخاں اتے او مکھن پکڑا یا رو ڈاڈیا کمے مولا سخی حسین حسین دا کام تے پائے پایاں دے او دردی ہون دے محمد یارو ماواں ٹھنڈی یا چاواں لے او یار حوالے رب دے میرا چار دن دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن فیر او فیر ملاں گے گے ہو تے کر سخیا دا در سخی تے میں
एकण की जई जिद कर बैठा, एकण की जई पाओ खैरे मुहम्मद ताई, सदका शाहे जिलानी। माशाल्लाह आज की जो रौनक थी, दिल तो कर रहा था कि बस सुनते जाएं, लेकिन बात वही है, ये कैसा दस्तूर ज़बां बंदी है, साकी तेरी महफ़िल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़ुबां मेरी, वमा अलैना इल्लल बलाग़।